ऑफिसर बैराकुडा रिकॉर्डिंग फॉर ड्यूटी और आप लोगों का स्वागत है डूडल चैंपियन आइलैंड गेम्स की 100% वॉक थ्रू सीरीज के पार्ट 2.3 में। और आज मैं सारी ट्रॉफीज कलेक्ट करने वाला हूँ, सारे एरेंट्स पूरे करेंगे। तो हमारे सबसे पहले एरेंट के लिए हमको मैराथन बीच पर जाकर एक बूढ़े की जिमूना से बात करना होगा, जिनकी बेटी हर बात में भाग जाती है। ये रहे। जैसे कि मैंने बोला, हम इनको अप्रोच करें और इसी बात पे इनकी बेटी भाग गई। अब कहाँ ये बेटी, हमको ढूंढनी है। तो ये बेटी राइट में नहीं थी, लेफ्ट में है। लेफ्ट में नीचे नहीं है, ऊपर है। हेलो, ओ तेरी फिर से भाग गई। अरे ठहर जाए एक जगह पर। पहले बैराकुडा बॉय बिल्कुल भी नहीं थकता दूसरे लोगों से अपनी बेइज्जती करवाते हुए। तो उसकी दूसरी लोकेशन इस पेड़ के साइड में होगी। हम यहाँ पर मेले ब्रेड लेकर आए थे पिछले एपिसोड में, और फिर से भाग गई यहाँ से। अब हमको इस बीच को एग्जिट करना पड़ेगा, इस बीच को। और बीच को एग्जिट करते ही यहाँ के गार्डन में एक एप्पल ट्री होगा, ये रहा, और इसी पे वो बेटी है। गुड बाय, मैं भी तेरे पापा के पास चलता हूँ, पापा के पास बात करने। क्या कहना है आपका? हेलो, बस चलो फिर अपनी ट्रॉफी देख लेता हूँ। मैराथन बेबी सिटर, बहुत बढ़िया। और हमारे अगली ट्रॉफी के लिए हमको एक बर्थडे पार्टी को ठीक करना होगा, गड़बड़ हो रखी है। सुपर माउंटेन गर्ल नहीं पहुँची उस बर्थडे पार्टी में, और हमको वहाँ पर जाकर सुपर माउंटेन गर्ल को लाना पड़ेगा। ये आ गया माउंटेन क्लाइंबिंग वाले चैलेंज के पास। और यहाँ पे जो बड़ा वाला घर है, ये वाला, यहाँ पे हमको जाना है। इसके स्टेयरवे का थोड़ा सा वैंग की हिट बॉक्स है, अजीब सा है। और यहाँ पे पहुँच के एक घंटा लेट है ये, मतलब तो ये पक्का नहीं जाना चाहती है, डर रही होगी ये। ओके, तो हम चले सुपर माउंटेन गर्ल को ढूंढने के लिए। इस स्टेयरवे के ऊपर जाओ, फिर यहाँ पे वाटरफॉल है, वाटरफॉल के नीचे एक प्लैंक है, उस पे चढ़ के इस पेड़ के पीछे सुपर माउंटेन गर्ल है हमारी। सुपर माउंटेन रैबिट होना चाहिए था नाम इसका। छोड़ो, और इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल ना करने पे मैं तुरंत फास्ट ट्रैवल करके नीचे आ गया। एक्स्ट्रा होना मेरे रेज्यूमे में लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और मेरे आसपास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बहुत शोर मचाते हैं लोग। चले हम अपनी ट्रॉफी देखने चलते हैं। और हमारी ट्रॉफी में क्या लिखा हुआ है? सुपर माउंटेन रेस्क्यू, बहुत बढ़िया। और हमारी अगली ट्रॉफी के लिए हमको पगोडास में जाना होगा, ब्रिज गार्डन के पास, जहाँ पे आर्टिस्टिक स्विमिंग का चैलेंज होता है। और वहाँ पे हमको ब्रिज को क्रॉस करके, ये वाला जो ब्रिज है इसको क्रॉस करना है। और यहाँ पे दो घर मिलेंगे, एक लेफ्ट में और एक लेफ्ट ऊपर में। उस लेफ्ट ऊपर वाले घर में जाना है, वहाँ पे हमको एक भूत मिलेगा या मिलेगी। ये रही वो भूत। एक बात बता, अगर वो ऑल ग्रोन अप है तो तारों कैसे हुआ? चल ठीक है, फिर तेरा खत दे आता हूँ उसको। तो हमको उन दो लैम्प्स के पास जाना है, दो स्टोन लैम्प्स के पास। वो हमारे कासल के साउथ में लोकेटेड है, इस स्कोरबोर्ड के ऊपर। ये रहा। अबे इसका मतलब है कि इसका एंट्रेंस तेरे पैरों के पास है। ये हम आ चुके हैं कासल में। हेलो रशिमा टारो। ना भाई साहब, मैं आपको आपकी मम्मी का खत देने आया हूँ, उनको आपकी चिंता हो रही है। ऑफ कोर्स, तो चलिए अब हम उनकी मम्मी के सोल को बता के आते कि उरशिमा टारो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपना, बहुत मस्ती कर रहे हैं कासल में, बहुत बढ़िया डांसर बन चुके हैं, और उसके बाद कुछ तो होने वाला है, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। हेलो मैडम, कैसी हैं आप?
और हमारी मैडम आफ्टर लाइफ में जा चुकी, और अब हमारी ट्रॉफी देखते हैं। चलिए, घोस्टली डिलीवरी, बहुत बढ़िया। और हमारे अगले एरेंड के लिए हमको एक रॉयल एरो कलेक्टर के लिए 5 तीर कलेक्ट करने हैं। हमको सबसे पहले आर्चरी वाले चैलेंज के पास जाना होगा, इन बोट्स के पास, और यहाँ पे आर्चरी डोजो के आगे ही हमारे रॉयल एरो कलेक्टर भाई साहब बैठे हुए होंगे। ये तो खड़े हुए हैं, बस यही पिग हैं हमारे रॉयल एरो कलेक्टर। हमारे वोची भाई साहब सारे इन्हीं से अपने तीर उठवाते हैं। मेरे ख्याल से तीर उठाने का भी बहुत बढ़िया प्रोफेशन होता होगा इस जगह पर, कि यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो हमारा सबसे पहला एरो डोजो के सामने ही है, हमारा दूसरा एरो डोजो के गार्डन के लेफ्ट में है, पहले बोट के सामने। यहाँ पे एक ऐसी औरत रहती है जो, छोड़ो, तीर कलेक्ट करने हैं हमको। तो यहाँ पे स्पीयर के एज पे हमको हमारा तीसरा एरो मिलता है, और इस पूरे ब्रिज को क्रॉस करके हमको हमारा चौथा एरो मिलेगा इस कोने पर। और पांचवा एरो मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं है। क्या हमारे रॉयल एरो कलेक्टर को पता है कहाँ पे है वो? उनको भी नहीं पता। अरे अरे, मेरे को याद आ गया, याद आ गया मुझे। हाँ, हमारा पांचवा एरो हमारे आर्चरी चैलेंज के लोकेशन के टॉप राइट में लोकेटेड है, ये रहा। यस, ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी टू टेक योर क्रेडिट लकी। और भाई साहब क्या कहोगे आप? तुम मुझ में प्राइड रखेगा वो? एक बार मैंने अपना मुंह खोल दिया ना कि तूने कुछ भी नहीं करा, कतई ही कलस जाएगा। और चलिए हमारी ट्रॉफी देखते हैं। लकी अब भी हिटबॉक्सेस के साथ बहुत ही ज़्यादा अनलकी है। और हमारी अगली ट्रॉफी के लिए हमको एक इनारी को उसका टेबल टेनिस बैट वापस करना पड़ेगा। वो अपना बैट खो चुका है, बीच पर है, और हमारा इनारी यहाँ पे इस बीच के राइट मोस्ट एज पर है, बीच में। अबे बीच पर ही है तो फिर खुद ही ले लेता थोड़ा ढूंढ के। ये रहा, बस बीच के उस पार है। चल, इसी बात पे तेरे को मैंने माफ़ करा। चल, मेरे को अपना अगला एरेंट करने जाना है, लेकिन उससे पहले हमको हमारी ट्रॉफी देखनी है। अबे फंस मत लकी, टेबल टेनिस बैट पे चलो। यस, और हमारी अगली ट्रॉफी, उसके लिए हमको एक एंशियंट टेबल टेनिस गेम को आरंभ करना पड़ेगा। उसके लिए हमको इस इनारी से बात करना होगा टेबल टेनिस चैलेंज के पास। ये उस जगह के बिल्कुल बॉटम राइट पे लोकेटेड है। ये हमको एक मशाल देंगे, उनसे हमको 4 स्टोन लैम्प जलाने हैं इस टेबल टेनिस टेबल के आसपास। पहला हो गया, दूसरा बहुत पावरफुल। क्या हीट नहीं दे रहा? अच्छा चलो, ये भी सही है। ये मैं किसी और एपिसोड में करूँगा भाई साहब, पहले मैं अपनी ट्रॉफी देखना चाहता हूँ। और हमारी ट्रॉफी क्या कहती है, किस चीज़ की ट्रॉफी है? लाइटर ऑफ लैंटर्न्स। अब आते आते ना मेरे को बड़े सस्ते सस्ते से नाम लगने लगे हैं। ये बहुत ही अजीब से नाम है कि जैसे इनमें ज़रा सा भी एफर्ट नहीं डालो नामों को बनाने में। और ये हमारे ओनी आइलैंड का सबसे ताकतवर ओनी है, और ये बेकर बनना चाहता है। तो हमारी बेकरी जहाँ से हम मेलन ब्रेड लेकर आए थे पिछले एपिसोड में, वहीं पे आना है हमको। और ये लंगूर भाई साहब एक रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, इनकी जगह हमारा ओनी लेगा। इज एन ओनी। कोई तो मिल गया हमको जिनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये एक ओनी है। तो चले हम अपने भाई साहब को बताते कि उनका बंदोबस्त हो चुका है।
वही तो, तू मैच्योर तब होगा जब तू अपने डिसीजन लेने सीखेगा और रिस्क्स को इवैल्यूएट करना सीखेगा। देख भाई, मुझे तो अपनी खाल जलाने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस अपनी ट्रॉफी देखनी है। और हमारी ट्रॉफी है बेकरी एस्टेट एजेंट। सही में बहुत सस्ता नाम था उसका। किया, अपना तीर खो दिया। अबे ओके, मैं थोड़े से चुप रूम में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर होने वाला है। और इस भाई साहब का तीर खोया है। तेरा लकी एरो। चल ठीक है, मैं भी लेकर आता हूँ। ये रहा एक साधारण एरो। कते एड्रेनलिन पर है हमारा लकी तो, चार गुना स्पीड में। क्या अच्छा, तो मतलब तेरे मेंटल गेम्स ही है ये, लकी अनलकी टाइप के। अबे तू खुद तो कुछ काम करता है नहीं, मेरे को ही बोलते रहे बस ये वो ये वो। अच्छा, मोमोटारो हमारी टीम से बिछड़ चुका है, उसको वापस लाना है। ऑफ कोर्स मैं ला सकता हूँ तुम लोगों के लिए मोमोतारो को वापस। मोमोतारो के लिए बस इन पीचेस को देखो। और ये रहे हमारे मोमोतारो भाई साहब। अपने माँ बाप से मिलने आया है बस। बढ़िया, सब हम अपनी ट्रॉफी देख लेते हैं। क्या है ट्रॉफी हमारी? पीच हंटर। बहुत बढ़िया। और हमारा अगला एरेंड के लिए हमको, ओ तेरी, ये ट्रांसलेट नहीं हो पाया ढंग से। केवल तनु की समझ आया उसमें से मेरे को। और तनु की सीट में केवल एक ही टास्क रहता है, और वो टास्क है सीक्रेट्स गेट पार्क को खोलना। इन बोल भाई साहब से बात करनी है हमको। ओ तेरी, पासवर्ड नहीं पता मेरे को, वरना भी तुरंत आ जाता मैं। तो पासवर्ड पता करने के चक्कर में हमारा लकी भाई साहब डोजो में आए स्केटबोर्ड के, और इस इनारी से सबसे पहले पूछेगा टी केटल। बहुत बढ़िया, मेरे को तो पता चल चुका है इनारी भाई साहब आप क्या करेंगे। तो यहीं पर आपको आना है वापस और टी केटल बोल दो, और हमारा पार्क खुल चुका है बस। अब बढ़िया साहब, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। मैं आपको मिलूँगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।